हीरो होंडा। 90 के दशक से लेकर आज भी ये नाम सबके दिलों पर राज करता रहा है। हीरो और होंडा इन दो कंपनियों से मिलकर बनी कंपनी पूरी दुनिया में सबसे अच्छे और अफोर्डेबल बाइक बनाती थी। लेकिन लोगों के मन में ये सवाल अभी तक बना हुआ है कि इतने फायदे में चलने वाली कंपनी आखिर क्यों अलग हुई और कैसे एक विदेशी कंपनी ने इंडियन कंपनी हीरो के साथ धोखा किया। आज की इस वीडियो में हम सभी बातों को जानने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। हीरो शुरुआत में सिर्फ एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी, जिसे ब्रजमोहन लाल मुंजाल ने 1956 में शुरू की थी और लगातार ऊंचाइयों को छूते छूते 1975 तक भारत की सबसे बड़ी साइकिल निर्माता कंपनी बन गई थी। इसके बाद उन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कंपनी का विस्तार शुरू किया और 1985 तक इस कंपनी का नाम दुनिया की टॉप साइकिल मैन्युफैक्चर कंपनी में शुमार हो गया। फिर उनका ध्यान टू व्हीलर मार्केट पर गया, जो उस समय फॉरेन कंट्रीज़ में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, इसलिए वो भी इस मार्केट में अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। लेकिन उनके लिए एक बड़ी समस्या थी, टू व्हीलर का इंजन, जिसे बनाने की टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं थी और बिना इंजन के मोटरसाइकिल बनाना नामुमकिन था। तभी उनके दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर एक अफोर्डेबल बाइक बनाई जाए। जिसका प्रस्ताव लेकर वो जापान की होंडा कंपनी के पास गए। इस समय होंडा वर्ल्ड की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी थी। उस समय कोई भी विदेशी कंपनी को डायरेक्ट भारत में व्यवसाय करने की अनुमति नहीं थी। होंडा ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया क्योंकि होंडा को भारत में व्यवसाय करने का रास्ता मिल गया था। होंडा हाथ आए मौके को नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए सन 1984 में हीरो और होंडा ने हाथ मिला लिया। अब दोनों के बीच कुछ शर्तें और नियम कानून भी बनाए गए, जैसे हीरो बाइक की बॉडी बनाएगा और होंडा उसका इंजन बनाएगा। एक एनओसी के मुताबिक दोनों कंपनियां कभी भी एक दूसरे के कंपटीशन वाला प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगी। दोनों कंपनियों को ये सारी शर्तें मंजूर थीं और यह डील भी पूरी हो गई। यहीं से शुरुआत होती है हीरो होंडा की। अब बारी थी बाइक मैन्युफैक्चरिंग की। हीरो होंडा का पहला प्लांट हरियाणा में लगाया गया, जहां पर दोनों कंपनियों ने बिना देर किए बाइक बनाना शुरू किया। हीरो होंडा की सबसे पहली बाइक CD100 थी, जो बहुत ही कम समय में काफ़ी मशहूर हो गई थी। लोगों को ये बाइक बहुत पसंद आई, जिसके मुख्यतः दो कारण थे। भारतीय बाजार में मोटरसाइकिल का नया क्रेज था और दूसरी बात इसका माइलेज, और इसके साथ ही उसकी कीमत भी एक मिडिल क्लास फैमिली को ध्यान में रखकर रखी गई थी, जो कि एक अफोर्डेबल बाइक थी। इस कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी कमाल की थी, जो इंडियन लोगों को काफ़ी पसंद भी आई। अब लोग अपने स्कूटर को छोड़ बाइक पर शिफ्ट होने लगे थे, क्योंकि बाइक स्टाइलिश होने के साथ साथ माइलेज में भी स्कूटर को टक्कर दे रही थी। सब कुछ सही चल रहा था, तभी जापानीज करेंसी में बहुत अधिक उछाल देखने को मिला, जिससे वहां की करेंसी की कीमत बढ़ गई। अब जो स्पेयर पार्ट्स जापान से आते थे उनकी कीमत भी बढ़ने लगी, जिसका सीधा फर्क बाइक की कीमत पर पड़ा। अब बाइक को अफोर्डेबल प्राइस में रखना बिल्कुल नामुमकिन था और हीरो होंडा को अपनी बाइक अफोर्डेबल रखना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि उस समय इंडिया में बहुत सी टू व्हीलर कंपनियाँ एंट्री कर चुकी थीं, जो हीरो होंडा को हर कदम पर टक्कर दे रही थी, जैसे सुजुकी, यामाहा, बजाज और TVS। लेकिन इन सभी कंपनियों का टारगेट शहरी लोग थे, जो मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर आते हैं। वहीं दूसरी ओर हीरो होंडा का फोकस मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पर अधिक था, जो कि एक अफोर्डेबल बाइक पसंद करते हैं, और यही कारण था हीरो होंडा की बाइक पूरे देश में सबसे ज़्यादा बेची जाती थी। यही कारण था कि कंपनी अपनी बाइक की कीमत नहीं बढ़ाना चाहती थी, जिसके लिए उसने काफ़ी लंबे समय तक नुकसान को भी झेला। साल 1990 में जब डॉलर का एक्सचेंज प्राइस में बदलाव हुआ, तो वहां से कंपनी के हालात सुधरने चालू हुए और हीरो होंडा फिर से फायदे में चलने लगा। अगले 10 साल बाद 2000 तक इस कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन से भी ज़्यादा हो चुका था। ये आंकड़ा उस समय बहुत बड़ा था। अब सबको लगने लगा था कि कंपनी अब मजबूत हो चुकी है,
लेकिन अंदर से कंपनी की हालत बहुत खराब हो गई थी और ऐसा बहुत पहले से चल रहा था। हीरो और होंडा भले ही भारत में टू व्हीलर मिलकर मैन्युफैक्चर करते थे, लेकिन इन दोनों कंपनियों का अलग अलग अस्तित्व भी था। इसी वजह से हीरो होंडा कंपनी के मैनेजमेंट में दरार पड़नी शुरू हो गई। दरअसल होंडा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई विकसित देशों जैसे अमेरिका, रूस में अपनी बाइक सेल कर रही थी, लेकिन हीरो होंडा को होंडा इसकी परमिशन नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से हीरो होंडा कंपनी सीमित होकर रह गई थी। होंडा तो अपनी बाइकों को इंटरनेशनल लेवल पर बेच रहा था, लेकिन हीरो होंडा को इंडिया से बाहर केवल श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे कुछ गिने चुने पड़ोसी देशों में ही बेचने की इजाज़त थी, जिसकी वजह से हीरो होंडा कंपनी उस मुकाम को हासिल नहीं कर पा रही थी जिसका सपना ब्रजमोहन लाल जी ने देखा था। हीरो कंपनी भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी। हीरो उस वक्त की साइकिल मैन्युफैक्चरर कंपनी में नंबर वन पर थी, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज था, लेकिन होंडा कंपनी की वजह से वो अपनी बाइक को इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च नहीं कर पा रही थी। अब ये उसकी किस्मत कहें या मजबूरी, हीरो चाहकर भी होंडा से अलग नहीं हो सकती थी, क्योंकि होंडा कंपनी इंजन प्रोवाइड करती थी और बिना होंडा के हीरो होंडा का कोई अस्तित्व नहीं रहता, और ये बात हीरो कंपनी बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। अब होंडा कंपनी तो दिन पर दिन अधिक मुनाफा कमा रही थी, लेकिन हीरो कंपनी सिमट कर रह गई थी, जिसकी वजह से इनके आपसी रिश्ते खराब होने लगे थे। लेकिन हीरो अब समझ चुका था कि ये पार्टनरशिप अधिक दिन तक नहीं टिकने वाली, और उसे अगर मार्केट में बने रहना है तो उसे खुद का इंजन बनाना होगा, जिसकी उसने तैयारी भी शुरू कर दी थी। हीरो अब उसके हिस्से के प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा इंजन बनाने में इन्वेस्ट करने लगा, जो होंडा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसकी वजह से दोनों के बीच दरार और भी गहरी हो गई। दूसरा कारण ये रहा, जब हीरो और होंडा कोलैबोरेशन कर रही थी तब इन्होंने एक NOC साइन किया था कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिशन में अपनी बाइक लॉन्च नहीं करेंगे, लेकिन होंडा ने इस नियम को तोड़ दिया। होंडा ने साल 1999 में जिस रेंज की बाइक हीरो होंडा कंपनी बनाती थी, ठीक उसी प्रकार की बाइक को होंडा ने भी लॉन्च कर दिया। मतलब होंडा ने अपनी बाइक को हीरो होंडा के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से हीरो होंडा के कुछ कस्टमर होंडा की तरफ रुख करने लगे थे। फिर होंडा ने एक्टिवा लॉन्च करके स्कूटर के मार्केट में भी एंटर हो गया। अब होंडा दोनों तरफ से मोटी कमाई कर रहा था। होंडा की इन्हीं सब हरकतों से तंग आकर हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला कर लिया, और 2010 में हीरो होंडा अलग अलग हो गए। हीरो होंडा कंपनी में दोनों कंपनियों के 26-26% हिस्सेदारी थी, और होंडा ने अपने हिस्से के 26% शेयर भी हीरो कंपनी को $1 अरब में बेच दिए। अब ब्रजमोहन लाल मुंजाल इस कंपनी के 52% के मालिक थे। उन्होंने इस कंपनी का नाम बदलकर हीरो मोटोकॉर्प नाम रखा। जब दोनों कंपनियां अलग हुईं, तब लोगों ने कहा कि होंडा के बिना हीरो का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन आज हीरो को इंडियन मार्केट का हीरो कहा जाता है। हीरो मोटोकॉर्प का नाम आज दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियों में शुमार है।